राम राम भाइयों, अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। अरे भाई, अब जो शख्स हमारे साथ खड़े हैं जिनका हम इंटरव्यू लेने वाले हैं, जानदार और शानदार खिलाड़ी, और अब इनके बारे में और क्या बताऊं, इन्होंने अपना पूरा जीवन ही कबड्डी को दे दिया। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं सुरेंद्र छाजू गड्डी, बहुत ही बढ़िया इंसान, बेहतरीन इंसान। राम राम पहलवान जी। राम राम भाई साहब। हाँ जी, ठीक ठाक हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया। सबसे पहले सारे भाइयों को मेरी राम राम, छोटे बड़े सारे पहलवानों को मेरी राम राम। पहलवान जी, पहले तो थोड़े से आपके जीवन के बारे में जान लें। पहलवान जी, कब से खेलना स्टार्ट करा? भाई साहब ये 90 के आसपास। उस टाइम पे कितनी एज थी? उस टाइम एज थी 16 साल। और छोटा कब पहलवान जी? छोटा पिछले साल। उस टाइम पे मतलब आज कितनी एज है? आज 45 के करीब है। पहलवान जी, कितने पढ़े लिखे हो आप? 12 पास। पहलवान जी, इतने साल कबड्डी खेली, सरकार का क्या सहयोग रहा? नौकरी नाकरी का कोई जुगाड़? हाँ, सरकार के मेरे पास कई ऑफर आए, बिजली बोर्ड में भी मेरे को मौका मिला था, मैंने वो भी नहीं करी। फिर चौटाला सरकार के टाइम पे धनोरी मैच हुए थे, वहाँ पर अजय भाई साहब ने, वे भाई साहब ने मेरे को मौका दिया था भाई तू अपनी नौकरी कर ले, पर मैं वहाँ गया नहीं। ये मेरी गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं। बोलो जी, परिवार में कौन कौन है अपने में? मैं अपने परिवार में जैसे अपने फिलहाल तो बाप है, माँ एक्सपायर है, पहले 8 बहन भाई थे, उसमें 2 एक्सपायर हैं, 6 आज हाल में है। और बच्चे? बच्चे मेरे पास 2 हैं, बड़ा रणदीप है, छोटा राहुल है। तो पहलवान जी, स्टार्टिंग में कैसे मतलब इंटरेस्ट हुआ कबड्डी में? आपके तो परिवार में जैसे आपके बड़े भाई खेला करते श्री विजेंद्र छाजू गड्डी जी, उन्हीं को देख के आए, या अपना खुद का शौक था? नहीं, अपना खुद का ही शौक लगा लो। ऐसे गांव में टीम थी, गांव वाले खेलिया करते, उनको देख देख कर, अपना पिताजी भी खेलिया था, वो घर में बात चलिया कर दी भाई, ऐसे मेरा ताऊ और मेरा पिताजी 2 भाई थे, मेरा दादा ताऊ को लायक करा था, वो पहलवान था, उसको अच्छी डाइट देते थे और इस पर काम लेते थे। मेरा पिताजी भी पुराने टाइम का 10वीं पास है, और इसको टाइम नहीं दिया खेलने का मेरे पिताजी को, तो उसके अरमान के लिए जैसे देख कर बाहर में बात चल रहे हैं, फिर सोचा हम खेल रहे हैं कबड्डी। पहले बड़ा भाई खेलने शुरू करा विजेंद्र ने, और फिर उसके 1-2 साल बाद फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया। शुरू में तो माँ बाप ने, बाप ने बतेरा रोकया, पर माँ ने साथ दिया, माँ मेरे को ज़्यादा लाइक करती है और बाप विजेंद्र भाई साहब को ज़्यादा लाइक करते हैं, वो उसको भेज देता था, मेरी माँ बाद में मेरे को भेज देती थी। मतलब कम्बिनेशन बढ़ रहा था भाई, ताई आपने भी कम नहीं रहने दिया दी। जा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ताई का मेरा बहुत साथ दिया, ताई ने तो मेरा, मेरी माँ का इतना साथ तो जितना मेरी माँ ने मेरा साथ दिया इतना कोई भी नहीं दे सकता। पहलवान जी, जैसे आपने बताया भाई ताई ने बहुत सहयोग दिया, तो मैंने ऐसा लगा है ताई ने घी भी जब वो रोड़ा मचा कर था, पहलवान जी से बात करी थी जब वो पहले 3-4 महीने में खेल, ताई आपका नंबर लाया कर दी। हाँ बिल्कुल, मैं उसका लड़ रहा था और मेरे को ज़्यादा चाव थी, सारे बच्चों से मैं अलग था, वो मतलब मेरी ज़्यादा संभाल थी, औरत है, ज़्यादा केयर करती थी, वो लुकमा सकमा भी मेरे को अलग से दूध दाद ही ग्यारह अलग से दिन दिले थी, क्योंकि परिवार बड़ा था और उस टाइम पे घर के हालात थोड़ी नरम थी, घर में पैसे तो काफ़ी रहो थी, घी दूध की तो मोजर होती, फिर भी उस अगर कमी रही थी कि तो मेरे पिताजी ने काफ़ी घी लिया दिया बाहर से, हमने मतलब डाइट के मामले में हम कदे उसने नीचे नहीं रखे, और ये और तो कोई सिस्टम उस टाइम था नहीं, घी दूध था, घी दूध खा कर अपनी मेहनत करते थे, 2 टाइम 3 टाइम जितनी हमारे पे वो थी ना उतनी मेहनत करी, अगर बच्चे आज हुआ मेहनत कर लेना हमारे वाली, और वो इसको ये जो स्ट्रेट चल रहा है, जो ये नशा पता चला इसको छोड़ दें और हमारे वाली मेहनत कर लें, तो बच्चा 20 साल तक आज भी खेल सकता है। पहलवान जी, जैसे भाई आपने इतनी बढ़िया बात कही है, एक शिक्षा है, जाओ भाई नशे पत्ते तो दूर रहो और देसी खाना खाओ, घी दूध खाओ, तो उससे लंबा कैरियर चलेगा। तो पहलवान जी, जैसे भाई बढ़िया खेलने लगे थे, तो बेस्ट याद है पहला बेस्ट आपको कितना मिला था? हाँ, मेरे को पहला बेस्ट मिला था आनंदपुर वैली, वहाँ हमारी टीम फाइनल में गई थी, कई सालों की बात है, साल तो मेरे को याद नहीं है, पर शायद वो 97-98 इस गेड की बात थी, और वहाँ फाइनल में जाने के बाद में हरियाणा पंजाब मैच था, निडैनी विजेंद्र पहलवान अपना बड़ा भाई वो वहाँ मैच खेलने के लिए चला गया और मेरे को टीम के साथ छोड़ गया, भाई तू फाइनल मैच खेल लिए, वहाँ मेरे को बहू के साथ मैच था वो,
वहाँ मेरे को बेस्ट कैचर का मिला था 300 रुपये। मेरे को बहुत खुशी हुई थी, उस टाइम 300 रुपये बहुत ज़्यादा थे। मैंने जाकर वो पैसे जेब में डालकर, और टीम वाले कह रहे भाई कुछ खर्चा कर ले, मैंने कराया नहीं, वो जाकर पैसे मैंने अपने बाप की बजाय अपनी माँ को दिए। तो उस टाइम मेरी माँ बहुत खुश हुई, अगर देख मेरा लड़का मतलब बेस्ट कैचर आया आज, उस दिन उसके आए हुए पहलवान जी। उसके बाद बेस्ट का सिलसिला चलता रहा? हाँ, उसके बाद तो चलता रहा, और बाकी भी जिंदगी होंगे। और मेरा बेस्ट आना तो बिल्कुल ओखा था, मैं चाहे कितना ही बढ़िया हो जाए, पर वो लास्ट में जाकर वो अपना बेस्ट का निकाल ही ले होता, कैच गाड़े दिया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कॉम्बिनेशन कई मैचा में ऐसा हुआ था भाई, एक दो कैच मेरी भी ज़्यादा आ जाती, बाकी तो उसकी ज़्यादा एरो थी। वो क्लासिक और टेक्निकल परमात्मा का सिस्टम था उसके साथ, जो आज भी अगर वो आज भी खेल लेना तो आज भी ग्राउंड उसको कैच के बगैर निकलने नहीं देगा। पहलवान जी, आपके गुरु जी कौन रहे, किसने आपको सिखाया? हमारे गुरु जी जोगिंदर भ्योली हैं पहलवान जी, वो हमारे गुरु जी थे। हम खेलने लगे थे, फिर उसको गुरु जी मान लिया, वो आए उन्होंने सिखाया, जितना उन पर बन पड़ा उतना उन्होंने किया, फिर बाकी हमने मेहनत करी। वो हमारे गुरु जी है जोगिंदर भ्योली। पहलवान जी, उस टाइम पर कौन सा प्लेयर साला क्या करता अपने कैचर और एक रेडर जो बहुत बढ़िया लगा करता, जिसका खेल देखना आपको पसंद था, उसकी टेक्निक आपको पसंद थी? भाई साहब ये तो काफ़ी होली है, काफ़ी जा लिए हैं, काफ़ी बढ़िया होली है दुनिया, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हम बढ़िया हुए हैं, पर उस टाइम जुनून हमारा इतना था, अगर हमने ऐसा लगा था भाई कोई भी हम पकड़ लेंगे, हम छोड़ देंगे नहीं इसके कैच मारे बिना। हम घर से टारगेट लेकर चलते थे, अगर भाई उड़े ये प्लेयर मिलेंगे, और आज इन प्लेयर की खाल पड़नी है, एक में बैंड लिया था एक वो बैंड लिया था, हम तो कॉम्बिनेशन में खेल ले सदा, हमने ऐसे नहीं, हमने मैच के आधार पर नहीं, हमने तो अगले की रैली काटने से मतलब था भाई, हमारे पास जितनी बनेगी कैच ऐसे नहीं भाई मैच जीत लिया ही भाई करना लग जाए सर्कल से, हम तो शुरू से ही सर्कल में खड़े होकर लास्ट तक खेल लेते, 20-5 के बड़े बड़े मैच होया करते, मैच तो वो थे। अब 10 मिनट में रोला बज जाए, 10 मिनट का मैच तो खेलना नहीं, 1 घंटे तक रोला करना, 1 घंटा वहाँ निकाल दिया, पर 10 मिनट का मैच नहीं खेल सकते, 5 मिनट का खेल लेंगे, 7 मिनट का खेल लेंगे, 8 नंबर का खेल लेंगे, 10 नंबर का खेल लेंगे, कोई मजबूत टीम आएगी वो तो कहोगी मैं 15 नंबर का खेलूंगी, जो बेचारी हड़की है वो कहोगे हम 5 नंबर का खेल लेंगे, ये मजबूत की चल लगी, वो बेचारी छोटी अपना दब करे जा, वो सोचे कदे हार जा, युवा दया नंबर सिस्टम ऐसा है, वो सोच रहे कदे हम हार जा, और बाकी छोटी टीम बेचारी वो समस्या में आएगी, जिसके पास 3 लीडर है वो 15 नंबर का मांगेगा, जिसके पास 2 है वो 10 नंबर का मांगेगा, अपने सिस्टम है, कमेटी मुंह देख मतलाग मार देगी, अगर जैसा दबंग टीम बोल लेगी, जो बढ़िया टीम बोल लेगी, जो चाल पुक्की है वैसा ही कर देंगे। जैसे पहलवान जी पहले भी था ये सिस्टम? नहीं पहले ऐसा कोई नहीं था, ना किसी की कोई मेरा मेरी थी, जिसमें भी जीदारी थी वो जीदारी के अनुसार ही मैच होया कर दे, किस उस टाइम किसी की मेरा मेरी नहीं थी, हमने तो देखी नहीं कई साल तक, शायद 15-16 साल तक तो देखी नहीं, उसके बाद में थोड़ी 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 ही मेरा मेरी होने लगी। उस टाइम तो प्लेयर की इज्जत होया कर दी, प्लेयर को देखते रहो फलाना आ गया, और अपने भी गात में चाह आ रहा खेलने का, लास्ट में भी मैच होने के बाद में कम से कम भी 200 आदमी चुक रहे घंटे जाते, अब 2 नहीं पाते, जो गेले आया वो मुँह फड़ी गाने चला जाए, और तो पाओगा कौन, वो आड़ा गाड़ी के पास खड़ा रहा प्लेयर, और वो जो साथ में रहा वो अपना लुगा, और तो कोई आना ही नहीं, जनता ने ऐसा कोई शौक का भी बहुत फर्क पड़ गया ना, पब्लिक आंदी, पब्लिक ने अपना यूट्यूब देख लें कुछ तो, और कुछ अपना छोड़ रहा हुआ फलानी जितनी है, उन रेफरिया ने ऐसे करना है, उन कमेटी वाला ने ऐसे करना है, उसकी मेयर है ये भाई छाजू गड्डी मैच है, या छाजू गड्डी जीतेगी, ये भाई फलानी जगह मैच है वो जीतेगी, घर आए शायद बुला लें सारे, ये नहीं देखते भाई जो खेल रहे हैं अपना घर छोड़ अपना खर्चा कर रहा है, जाकर देखें उसका थोड़ा उत्साह करें, उसको थोड़ा हमारा उत्साह देंगे, थोड़ा उमाया देंगे, जब तो खेल लगा गए उसके बगैर कैसे खेल लगा। तो आपने जो भी इतनी बड़ी बात कह दी कि भाई आप लोग हिसाब लगा ले हैं, साफ लगा ले हैं, किस बात का साफ लगा ले हैं, क्यों लगा ले हैं, क्या मैच फाइटिंग नहीं होती, क्या कोई जैसे आपने मेर तेर की कह दी, कौन मेर तेर करे है, कौन है वो जैसे आपने जो कह दी भाई मेर तेर कर ले हैं, रेफरी कर ले हैं, प्लान कर ले हैं, ऐसा क्या है भाई, जैसे वो अच्छी टीम है, अच्छी टीम आओगी 6 बजे वो भी खेल लेगी, जो बेचारे हल्की टीम है, जो नरम है, जो नए बच्चे हैं वो आओगे बेचारे 12 बजे, वो शाम तक वेट करेंगे उस टीम का, तो अच्छी टीम के पीछे तो सारी दुनिया है, जो नए बच्चे हैं उनके पीछे कोई नहीं है, बस इसको जीतना है, कुछ थोड़ा मोटा रेफरी कर देते हैं वो आए नहीं है, इनका मैच करा दो, कुछ थोड़ा मोटा कमेटी कर दे,
अब भाई उसके आने के बाद मैच होगा, उसके आने के बाद मैच होगा। वो बेचारे किसी कोई छोटे सक्रैच होने लग रहे हैं, बड़े अपना बनाए खेलना जीतने लग रहे हैं, भाई मिलने लग रही है। ये सिस्टम काफी चल रहा है, ये सेटिंग है क्या? बस ये सेटिंग ही है, जो सेटिंग ना हो तो ऐसा नहीं होगा। अगर कमेटी टाइट हो जाए तो रेफरी भी टाइट हो जाएंगे। पहले कमेटी को होना पड़ेगा, फिर रेफरी को होना, फिर प्लेयर को होना पड़ेगा। अगर ये 4 बजे वाला सिस्टम बना रखा है, 5 बजे वाला, जो कमेटी एक बार नू लिख देगी, अगर टीम 11 बजे चाहिए हमने, 12 बजे तक हमारी जितनी आएगी आएगी, हम टूर्नामेंट करा देंगे। एक या दो कमेटी ऐसा कदम उठा के देख लो, अपने आप प्लेयर आओगे। प्लेयर जानबूझ के नहीं आंदे, वो अंडे जानून पर चल रहे हैं। 12 बजे मैच तो 5 बजे होना भाई, आके क्या करेंगे? तो एक बार कदम तो किसी ने उठाना पड़ेगा। कदम उठाए बगैर ऐसा नहीं होगा, टीम सारी आओगी, प्लेयर सारे आओगे, अनुशासन भी कर देंगे प्लेयर, सारा काम कर देंगे। प्लेयर का इतना कसूर नहीं है जितना ये और सेटिंग चल रही है। इब जैसे अपने रेफरी हैं, कई तो ड्यूटी पे हैं, वो अपनी ड्यूटी करके आओगे, वो नूचाओगे, कोई दिक्कत नहीं आ जाएंगी। कई कमेटी वाले हैं, वो टीम नहीं आई भाई, वो आनी जरूरी है, 7 बजे आओ कोच साहब, उसको बुलाओ। अच्छा जी वो तो लेट आओगी, कोई नहीं, लेट आओगी तो हम आराम से करा लेंगे, उको आने तो हम 2 बजे निमटा लेंगे, आज नहीं निमटे तो कल करवा लेंगे। तो आज और कल में इतना फर्क आ गया, जो टीम को किराया देना पड़ जाता है, जो 1500 में बाज रही है वो 3 देना पड़ेगा, कमेटी ने देने 1000 हैं। लास्ट में मैच तो देख लिया, लास्ट में जाके कह देना अपने घर चल भाई, इतना ही देवा हम तो, लेंदा तो लेना जा। तो जब खर्चा होगा तो वो 2 दिन बुलाओगे, वो सारी रात भूखे मर कर प्लेयर खेल लेंगे, तो बढ़ावा कैसे बढ़ेगा? बढ़ावा बढ़ेगा सिर्फ 7 बजे तक। अगर प्लेयर जो टीम मान ले 7 बजे तक खेल रहे हैं, कमेटी गेम 7 बजे तक करावे हैं, तो प्लेयर भी बढ़ेंगे और ये नशे तो भी पिंड छूटेगा, क्योंकि दिन में थोड़ी देख रेख हो जाएगी, थोड़ी शर्म भी आओगी, पब्लिक लामने लगेगी तो बालक लुकेगा। इब 7 बजे बाद मैच चालू होंगे, अंधेरा हो जाए, मानस ने मानस तो दिखता नहीं, तो टिक्के ने कौन देखना होगा, ना पब्लिक रंधी, कितना अलावा दे दो नशे में, न्यू नहीं मेरा ग्राउंड किधर है, अगर भाई हमने जाना किधर है, खेल कभी दूसरी साइड चले जाए, और नू भी नहीं पता भाई यू ग्राउंड हमने उड़े जाना है, ऐसा कदर हो रहा है। जितनी भी रात होंगी ना, उतना ही नशा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और जब तक यू नशा बढ़ेगा, जब तक प्लेयर नहीं बढ़ेंगे। सिर्फ 2 या 3 साल ही कबड्डी है, ये तो एक बार जैसे अपनी सब्जी बो दी हमने, सब्जी का एक बार उछाल नहीं अंदा, अगर भाई भी वह फुल फलक चल रही है, और फिर वह खत्म, वह बेल भी सूख जाएगी। वो काम होना है 2 या 3 साल में, ये तो अब अपनी गोज बनने वाला काम हो रहा है। कमेटी अपना स्वाद ले रही है, वो करा रही है, बहुत बढ़िया बात है। कुछ कमेटी गेम शौक पकड़ा रही है, कुछ कमेटी बचत पकड़ा रही है, फिर बाकी अपने जो रेफरी साहब हैं वो उनका अपना दहाड़ी चल रही है, उनने क्या जरूरत है? जितने दिन चलेगा चल जाएगा, कौन सा उनका खानदानी काम है? किसी ने हाथ दे रेफरी आना ये भी नहीं पता ना भाई, सिटी पकड़ के मैंने नंबर की देना है, वो तो मेयर चल रही नौकरी, जिसका जी चाहे उसका दे दिया, क्योंकि कबड्डी के बारे में ज्ञान नहीं। जब वो लोग रोटी बांधने घर से खर्चा करेंगे, घर मेहनत करेंगे, काम छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, जब पता चलता ना प्लेयरी क्या चीज होती है, प्लेयरी का जब तक कैसे पता चला, जब तक जेब भर रही है उनकी, तो शुरू से ही जेब भर रही है ना, प्लेयरा की तो बहुत बाद में भर है, बेचारे कुछ तो छोड़ दे हैं, तरस तरस के ना उन किराया मिलता, ना प्ले उन किसी का साथ मिलता, उन कुछ नहीं मिलता, वो बेचारे रो पीट कर छोड़ ही दे हैं, पर साथ नहीं मिलता उनने। तो ये काम है कमेटी का, तो रेफरी का, तो ये चल रहा है। जिसको चाहूंगा उसको जतवाऊंगा, जिसको चाहूंगा उसको हरवाऊंगे, ये जितनी जे शुरू से ही सेटिंग मैट हो जाए। ऐसे तो जैसे भाई दर्शक निवेदन आते, फिर दर्शक क्यों आओगे? हाँ दर्शक का नहीं पता इस बात का, क्योंकि दर्शक के पागल है, उनने भी तो बेरा है। बिल्कुल दर्शकों ने पता है, पढ़ी लिखी जनरेशन हो रही है, बिल्कुल पहले से तो बहुत तेज है, पहले आदमी थोड़े साध्य हुआ करते, वो बेचारे देख लिया करते, भी बालक तेज है, व्हाट्सएप फेसबुक पर हुए हैं, तो इन्हें इतना ज्ञान है, बस पूछो मत, उस हिसाब से ग्राउंड में एक एक रेड लगते ही बता देंगे जो मैच फिक्स है। पर सुनेगा कौन? सुनना तो किसी ने नहीं ना, बस कारण ये है, इसलिए वो आते नहीं, बैठा रहे जरूरत की है जान की। अगर ये सारा सौदा बंद हो जाए और दिन में मैच हो जाए, पब्लिक भी काफी आओगी और नशा भी बंद हो जाएगा, और प्लेयर भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और छोटे की भी कदर हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम से एक ही दिन के मैच होंगे। और जो आ गया किराया भाड़ा लगा का सवारियां वहां हैं, वो अपना अपना बस में भी जा सके, कि ये सवारी में जो लटक कर जा सके, रात को कैसे जाएंगे? सबके पास गाड़ी थोड़ा है, और जो सबके पास गाड़ी होगी दोनों खर्चा चाहिए, तो खर्चा देगा कौन? कमेटी ऐसा तो नहीं 5,000-5,000 रुपये दे देगी, जायज तो देगी, वो जायज मिलने में भी काम नहीं चल रहा 2 दिन में, तो कमेटी ने 3,000 रुपये दे दिए, तो उसमें कैसे काम चलेगा 2 दिन का?
दो दिन का, क्योंकि 3,000 तो एक दिन का किराया हो गया। और फिर दो दिन वो पहलवान जी आपने तो सारी ये बात करने छोड़ कर दिया भाई, जो बात है वह कति खोल के बता दी। तो पहलवान जी कोई सुधार की गुंजाइश कौन है? फिर सुधार की गुंजाइश है, जैसे हमने टूर्नामेंट कराई थी भाई, हमने जो टीम ग्राउंड में खेल रही है और 3 रेफरी थे, उसके अलावा चौथा गांव का भी नहीं घुसा कोई रेफरी, कमेंटेटर और कमेटी वाला तो बहुत दूर की बात है। जो दूसरी टीम है वो भी बार बार की स्पेशल जगह थी, वैसा करो ना, ना तो आपस में किसी की आंखों से आंख मिलेगी। और जो कोई गलत हुआ है, जो कोई गलत डिसीजन आवे, जैसे रेफरी भगवान तो होता नहीं और सारे रेफरी एक सिरे भी ना होते, तो जैसे मान लो कोई गलत हो जाए तो गांव की कमेटी में 2-3 आदमी होने चाहिए जो वो देख का होंगे ना, वो डिसीजन देंगे, वो डिसीजन अच्छा ही देंगे, गलत तो शायद दे नहीं पाओगे। वो जो यहाँ जिस रेफरी ने नंबर दिया है वो जाकर रिव्यू देखा होगा तो किसका देगा, इस चीज़ का कोई हिसाब नहीं लाता। और कमेटी इस चीज़ में थोड़ी आँख मीच रही है, कमेटी कोच साहब देखा हो ना रिव्यू, कोच साहब ने तो नंबर दिया है, जो रेफरी है उन्होंने तो बेचारे नंबर दिया है, वो देखा होगा अपनी बेइज्जती क्यों करवाओगा, वो उसका लगा हुआ तू देखा भाई, वो उसका लगा हुआ तू देखा भाई। फिर 3-4 बार तो ऐसे होगी, इतना प्लेयर उनके मुँह कान देखे, फिर एक चलागा जिन्हें ज्ञान नहीं नहीं, वो जाकर अपना उठा देख कर जो लाइव ने बोल दिया या किसी और मेरे मर्गे ने तो साइड में खड़ा बोल दिया, उल्टा आ जाएगा आधे रिव्यू देखा आधे ना देख दे। कुछ जनता ही बढ़ जाए बीच में, कुछ कमेटी वाले कैमरे के आगे खड़े रहे हैं तो उसमें मतलब दिखता ही नहीं कुछ, वो आगे के एक बता का जिसका उसका रहने दे, क्यों बेइज्जती करो, बस ये सिस्टम चल रहा है। बहुत बढ़िया बात कही है पहलवान जी ने, और गुस्सा जायज भी लग रहा है जिस हिसाब से पहलवान जी ने बताई है। पर पहलवान जी आपने जो बात कही है ना भाई, हम तो भी के कर सका हाँ भाई, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस बात को पब्लिक के सामने दिखा सके हैं, उजागर कर सके हैं, इतना ही हमारा बस का है, बाकी कोई सेटिंग वेटिंग का तो ज़्यादा हमने भी नहीं बेरा, आपने बता दी आज हमने बेरा पाट गया और पब्लिक भी इस चीज़ ने देख लेगी। तो पहलवान जी काफ़ी समय आपने दे दिया, इतना समय देने के लिए पहलवान जी धन्यवाद। चलो भाई साहब आपने मैं इस लायक समझा, अब भाई आपने मेरा इंटरव्यू लिया, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल को भी सब्सक्राइब करता हूँ। और मैं सभी भाइयों को कहता हूँ अगर भाई बढ़ चढ़ कर जो भाई अपना प्लेयरों का साथ दे रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उनके फोटो डाल रहा है, वो इस भाई का साथ दो ताकि कबड्डी को थोड़ा आगे बढ़ने का मौका मिले, पीछे जाने का मौका ना मिले। इस बात के लिए मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पहलवान जी। धन्यवाद भाई साहब। पहलवान जी जय कबड्डी, जय हरियाणा। जय कबड्डी, जय हरियाणा। थैंक यू पहलवान जी। ओके जी।